हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सभी को जय श्री राम, हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? सर्दी बहुत है तो भगवान को याद करें, नाम जप करें और अच्छे से रहें, सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें और सर्दी से जितना हो सके बचाव करें। बच्चे आपके घर में बच्चे हैं तो उनका भी ध्यान रखें और ठंड में जितना हो सके उनको बचा के रखें, क्योंकि सर्दी का मौसम है और शुरुआत है सर्दी की, तो बहुत ही तबीयत ख़राब होती है सबके। तो अपना भी ध्यान रखें और परिवार का भी ध्यान रखें। मेरी चिनिया को खांसी हो गई बहुत तेज, दवाई खिला दिए? लीजिए खांसी का है और है कफ सिरप है, उल्टी वाला तो ये। तो गाइस, हमारी चिड़िया रानी बीमार हो गई है, जिसका जिसके लिए दवाई खिला रही है रूपा रानी। यंस का लगा के जाते हैं। हाँ, और यंस का, यंस का टोपी, क्योंकि इसकी टोपी में हम दो ग्लव्स करके रखे हुए थे, अंश वाला ये रहा। अच्छा, के नीचे मुझे लग ही रहा था बड़े बेटा टोपिया छोटा लग रहा है, बेबी वाला है क्या? तो नहीं मम्मी, मेरा वाला है। फिर इसको निकाले तो देख रहे इसमें दो ग्लव्स डाले। तो आज देखिए चिड़िया रानी तैयार हो गई है और इसका टाइट ढूंढ के अपना देंगे। चिड़ियों में स्वस्थ रहें और सेहतमंद रहें और भगवान आपके ऊपर भी कृपा बनाए रखें। आज अंश चला गया स्कूल और बेबी हो गई है तैयार और है इसको भी खांसी और हल्का सा कफ। देखिए रूपा रानी भी है बीमार बेचारी। देख रहे हो, मुझे पेट पे बैठा रखा है। हाँ, तो अभी जा रहे हैं हम लोग, हम भी तैयार होने और फिर जाएंगे अपने काम पे। गाइस, तो देखिए आज रूपा रानी को मिल रहा है जला हुआ रोटी खाने के लिए। ये देखिए जला हुआ रोटी दिख रहा है आपको? ये भी भाग्य वाले आदमी को मिलता है जला हुआ रोटी। अच्छा, अच्छा। हम इसको टेस्ट करने के लिए दो बार से ललच रहे थे, आज मिला मुझे खाने को तीसरी बार। सट्टे मार रहे हो, क्योंकि अकेले अकेले ही खा ले रहे थे। मुझे खिला नहीं रहे थे। आज मेरे मुंह में पानी आ रहा है ये रोटी देख के। इसको डालना है रोटी को इसमें? अरे भाई देखिए, सब्जी रोटी और बेबी को क्या खाना है? भुर्रा भुर्रा रोटी। ओके, भुर्रा ले दे थोड़ा सा, ठीक है? नीचे गिरेगी पीछे। ओहो, कितनी तबीयत खराब है इसकी बेचारी मेरी चिड़िया। अरे इसका हाँ, और शनिवार को टीका भी लगवाना है, पता है? हाँ, 5 साल वाला। अच्छा, आज सोमवार है ना, शनिवार को याद दिलाइए कैसे भी। तो याद दिलाना लड़का। अच्छा हाँ, वीडियो तो बना ही लिया ना, उसमें तो देख के पता चल गया। अच्छा, ये तो बड़ा डालने के बाद गुम हो जाएगा। आज मिली हमारे दोनों जादू से, देखिए दोनों कहाँ जा रहे हो? खेलने। केने जा रही, केने बाय बाय, एक घंटे के लिए खेलने जा रहे हैं दोनों। बाय 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 बाय, जाओ बाय बाय बाय, फिर आ जाना, ठीक है? हम आएंगे तो। ओके बाय, बेबी को ले जाओ अच्छे से। बाय। कान उठा के दिखाना दोनों। तो गाइज, अभी आपने देखा बच्चे हमारे चले गए खेलने और जैसे ही अभी उनको एक टाइमिंग दिए हैं, जैसे ही हम नीचे जाएंगे अपने काम के लिए और काम के लिए निकल जाएंगे, वैसे ही बच्चे खेलकर वापस आ जाएंगे। मतलब उनके पास अभी 1 घंटा है खेलने के लिए और अभी 4:15 हुआ है, सवा घंटा, लेकिन 1 घंटा मान के चलिए। और 5 बजे हम काम में जाएंगे, तब तक वो आ जाएंगे खेल कर। बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, उनको एक बार जो बता दीजिए वो ज़रूर करते हैं और हो ही जाता है। और इधर देखिए गाइज, रूपा रानी और हम बैठे हैं घर पे मज़े में
अब बच्चे गए नीचे खेलने, फिर वो आ जाएंगे अपने टाइम से जब हम जाएंगे तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए गाइस। हाय गाइस, तो जैसा कि आपने हमारा ब्लॉग देखा तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और अपना सपोर्ट हमें देते रहें और भगवान की कृपा आप पे हमारे ऊपर बनी रहे। और यहाँ पे बहुत सर्दी है, देहरादून में बहुत सर्दी है क्योंकि हम जब घर से आए थे तो वहाँ पे गर्मी थी और यहाँ आने के बाद बहुत सर्दी हो गई है और हम जितना हो सके सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो आप लोग भी अपना सेहत का पूरा ध्यान रखें और जितना हो सके सर्दी से बचें और बाहर भी जाते हैं कहीं काम करने या घर पे रहते हैं तो अच्छे से रहें और बाहर भी कपड़े वगैरह अच्छे से पहन के जाया करें। उससे क्या होता है कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो घर में लोगों को परेशानी हो जाती है, टेंशन हो जाता है कि कैसे ठीक होंगे, क्या हो गया। तो बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सेहतमंद रहें और घर परिवार को भी सेहतमंद रखें। तो गाइस इसी के साथ अपना ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और आज का ब्लॉग मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही है। तो अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। जय श्री राम, हर महादेव। बाय गाइस।